हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा किचन। आज की हमारी रेसिपी है सुपर यम एंड डिलीशियस अनियन कैप्सिकम करी, बिना आलू के एंड बिना किसी झंझट के। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हम बनाएंगे वो छोटे छोटे प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने वो जो छोटे वाले प्याज होते हैं ना, उन्हें लिया है। यहाँ पे आप बड़े प्याज मत यूज़ करिएगा, क्योंकि ये जो छोटे वाले प्याज होते हैं ना, इनका स्वाद बिल्कुल अलग होता है और ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं सब जगह। अब हम यहाँ पे दो पीस काजू लेंगे और एक चम्मच पोस्तू लेंगे। पोस्तू को हम पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, और इन दोनों को दो चम्मच पानी के साथ पीस लेना है, जिसको कि हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने ये वाली पोस्तू यूज़ करी है, जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। यहाँ पे मैंने काजू और पोस्तू को पीस लिया है, प्याज को छील लिया है, कट नहीं किया है, टमाटर की अदरक लहसुन मिर्चा के साथ प्यूरी बना ली है और कैप्सिकम को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो अनियंस और कैप्सिकम लिया था उसको इसमें ऐड कर देंगे और लगभग 1 मिनट के लिए इसको हम इसमें चलाएंगे। हमें इसको पूरा लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर में चेंज नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए सॉटे करना है। और उसके बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा चलाने के बाद इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब उसके बाद सेम कढ़ाई में हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करेंगे, फिर 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 लाल मिर्च ऐड करेंगे, उसको अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी, 2 टमाटर, 1/2 इंच जिंजर, 2 ग्रीन चिलीज और 3-4 लहसुन की कलियों की, उसको इसमें ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। फिर हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे और फिर इनको हम अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला आधा भून जाएगा, मतलब जब थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आने लगेगा, उस स्टेज पे इसमें हम अपने पिसे हुए काजू और पोस्तू का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर उसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब ये देखिए, अभी ही इस स्टेज पे कितना सुंदर कलर निकल के आ रहा है इसका। इसके बाद इसमें हम ये अमूल क्रीम यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है, आप फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। और फिर इसको भी मिक्स करने के बाद देखिए कितना सुंदर कलर आ गया हमारी ग्रेवी का। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, फिर उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर हमने जो प्याज और कैप्सिकम को फ्राई करके रखा हुआ था, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से भुनेंगे लो फ्लेम पर। इस पूरे मिक्सचर को 2 मिनट भुनने के बाद हम लो फ्लेम पे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये देखिए, 10 मिनट के बाद हमारी सब्जी कितनी सुपर अमेजिंग लग रही है। छोटे छोटे प्याज और कैप्सिकम की मज़ेदार चटपटी सी सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब इसमें हम ग्रेवी को थोड़ा सा लटपटा करने के लिए 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे और इसका 1 बॉयल आने तक इसको हम चलाएंगे। जब इसमें 1 बॉयल आ जाएगा, हमारी सब्ज़ी बनके पूरी रेडी हो गई है, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप इस सब्ज़ी को रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं गाइस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।